गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। मैं आप सब लोगों के साथ इतने दिनों के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, और ये जो वीडियो है ये ओल्ड वीडियो है, जब हम इधर से गाँव जा रहे थे। ये मैंने नमकीन चावल बनाया था और राजमा की सब्ज़ी बनाई थी। ये ऐसे ओल्ड वीडियो है, मैंने न्यू वाला जो है मैंने बनाया नहीं है, तो मैं आप सब लोगों के साथ ओल्ड वीडियो ही शेयर कर रही हूँ। और इधर मेरा राजमा के लिए जो है मसाला तैयार हो रहा है, जितना भी बनाया था पहले वही सब रखा हुआ है, तो मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा जो है राजमा तैयार हो गया है। और ये दूसरे दिन हम निकल गए थे गाँव के लिए, ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, और इस टाइम जो है मौसम बहुत ही अच्छा था और नज़ारा भी है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और क्या करें, थोड़ा बहुत अंदर से दुखी भी थे और नज़ारा सब देख के थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा था। वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था, क्या करें, तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया था। सब तरफ इस टाइम जो होता है बहुत अच्छा मौसम होता है, हरा भरा, हरियाली हरियाली सब तरफ दिख रहा था। और अचानक से ऐसे जाने का प्रोग्राम बन गया था, और टिकट भी जो है नहीं मिल रहा था हम लोगों को, वीडियो ऐसे फिर अचानक से मिल गया था, फिर हम निकल गए हैं ऐसे। और ये आप देख सकते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में बताइएगा ज़रूर। हम लोग इसको पुयल बोलते हैं, जो वाइट वाइट हो रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी ये ऐसे सामने से वीडियो बनाया था, तो इतना पता नहीं चल रहा था, कहीं थोड़ा दूर दूर तक हम देख रहे हैं ना, तो पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे लग रहा था बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, सब तरफ वाइट वाइट सा लग रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे दूर से, ऐसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। ट्रेन से हम उतर गए हैं, अभी हम गांव पहुंचने वाले हैं। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया। ये जो है बहुत बड़ा नदी है, ऐसे कुजू नदी बोलते हैं, यहाँ पिकनिक मनाने सब आते हैं न्यू ईयर सब में। और ये वीडियो ऐसे मम्मी के जाने के बाद का ही है, कुछ दिन हो गया था। ऐसे कभी कभार वीडियो बनाने का मन होता था तो मैं बनाती थी, नहीं तो नहीं ऐसे। तो यहाँ पर जो है विश्वकर्मा पूजा होता है ना हमारे जो झारखंड में, बहुत धूमधाम से मनाते हैं ऐसे हर साल। आज के दिन ऐसे जितना भी लोहा वाला सामान है या लोहा से जो बना होता है वो सब कुछ अच्छे से साफ करते हैं और दर्शन करते हैं, जहाँ पूजा करते हैं, जो जितने भी औजार हैं वो सब यहाँ पर जो है बाइक साइकिल वगैरह अच्छे से साफ कर लिए हैं। पानी वाला जो मोटर होता है वो सब भी निकालते हैं इस दिन और अच्छे से साफ करते हैं। कार हो गया, जो भी साइकिल हो गया, ये सब वो सब सारा इकट्ठा करते हैं, अच्छे से साफ करते हैं इस दिन। और घर में भी साफ सफाई होता है सब तरफ ऐसे ही। और यहाँ पर मेरे सबसे बड़े वाले भाई भी हैं, और ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से जो छोटा है वो वाला भाई पूजा कर रहा है। और पापा हैं, छोटी वाली बहन है, और डोली परी में ऐसे वीडियो सब बना रही थी तो मैंने इतना नहीं किया, जितना मेरे से हो पाया इतना बनाई मैं। और फर्स्ट बार इन लोग अपने आप से पूजा कर रहे हैं, पहले तो मेरे बड़े पापा आते थे पूजा करने के लिए, विश्वकर्मा पूजा होता है ना तब बुलाते थे पूजा करने के लिए, और कभी कभी तो कॉमेडी भी हो रहा था पूजा के टाइम पे, कुछ कुछ ना भूल रहे थे, अरे ये नहीं लाए वो नहीं लाए, मैं कुछ कुछ बताते जा रही थी तो वही बीच बीच में हंस रहे थे। होता है ना फर्स्ट टाइम करने से तो थोड़ा बहुत, फिर भी जो कुछ भूल चूक हो जाता है माफ़ कर देते हैं भगवान जी, जानबूझ के जो करते हैं वो नहीं माफ़ करते, जो ऐसे बिना जाने करते हैं नादानी में वो तो माफ़ कर देते हैं।
बहुत तेज धूप हो रही थी, ऐसे आंख भी नहीं खुल रही थी डोली परी दोनों की। और यहाँ पर बारी बारी से कर ले रहे हैं इन लोग। और इस टाइम पे ना प्रसाद बनता है इस वाल पूजा वाले दिन, अरवा चावल ये सब डालते हैं, केला और काले चने। यहाँ पर प्लेट में जितने भी सामान रखे हैं, चूड़ा हम लोग तबिन बोलते हैं, कोई पोहा बोलते हैं, काला चना और स्वीट है, और केले हैं, नारियल हैं, ये सब यहाँ चढ़ाने के लिए निकाल रखे हैं। और यहाँ तो कम मात्रा में निकाला है ऐसे, और प्रसाद जो है वो ज़्यादा बनता है, और ये प्रसाद बहुत ही स्वाद लगता है और अच्छा भी लगता है। पापा भी आ गए हैं पूजा में शामिल होने के लिए। और इस टाइम पे जो है बारिश बहुत हो रही थी, मतलब सुबह दिन शाम कभी भी हो जाती थी बारिश, और सब तरफ जो है ग्रीन ग्रीन सा हो रखा था, कहीं भी जाओ तो ध्यान से जाना होता था। इस दिन ऐसे धूप आ गई थी थोड़ी बहुत, रोज़ बारिश हो रहा था और थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं लगता था, कीचड़ कीचड़ सब तरफ। तो अभी जो है थोड़ा बहुत सूख गया है अच्छे से, नहीं तो सब तरफ गीला गीला ही रहता था। पूजा ऐसे कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत इसमें टीका वगैरह लगा दे रहे हैं। ललिता जी के यहाँ आ गए हैं। मम्मी का जो कुछ भी काम था वो सब जैसे ही ख़त्म हो गया, उसके दूसरे दिन बाद ही पापा जी का जो है कार साफ करते वक्त गिर गए थे और सर में चोट लग गई थी, और पापा जी यहाँ एडमिट थे, टाटा आए हुए हैं ललिता जी के यहाँ। और यहाँ बच्चे सब खेल रहे हैं घर के अंदर, और एक के बाद एक परेशानी देखना पड़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। यहाँ पर पापा जी से मिलने आए हुए थे छोटी वाली सिस्टर, और बुआ भी आए हुए थे साथ में, और डोली परी हम सब आ गए थे। यहाँ पर जो है बच्चे भी अच्छे से घुल मिल गए थे, और हॉल में यहाँ पर इन लोग खेल रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी उसमें ऐसे, मतलब अपने आप को पहचान ही नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे बोलूँगी, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हुआ था, ये सब कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी बोलते थे, इधर उधर की बातें करते थे, मतलब अजीब ही हो रहा था उस टाइम पे, क्या करे कुछ मन ही नहीं हो रहा था, ना कुछ करने का मन हो रहा था, और बहुत ही बुरा हालत हो रहा था उस वक्त। ऐसे जैसे तैसे वो सब हो गया था ऐसे। और हम लोग एक दो सप्ताह ऐसे, एक सप्ताह के लिए गए थे, एक सप्ताह के चक्कर में पूरा महीना भर लगना पड़ा। हम लोग आने वाले थे, टिकट भी हो रखा था, लेकिन हम लोग फिर दोबारा से कैंसिल कर दिए, पापा को ऐसे छोड़ के फिर आने का मन ही नहीं हो रहा था, मतलब कैसे जाएं ऐसे इस हालात में छोड़ के। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।